पछताने लगा है मालदीव। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू अब गिड़गिड़ाने लगे हैं और भारत से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं। चाइना के पास मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जिस अपेक्षा से गए थे, चाइना ने न तो उनकी उस इच्छा को पूरा किया बल्कि अपने कुछ ऐसे समझौते उनके ऊपर थोप दिए जिससे मोइजू को अपने ही देश में कड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खबर आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति अब भारत के सामने घुटने पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे हैं। उनका मानना है कि हम जिस तरीके से चाइना का समर्थन किए थे, अगर हमने उस तरीके से भारत का समर्थन किया होता तो शायद आज चाइना जिस तरीके से हमें मजबूर कर रहा है कर नहीं पाता। तो ये जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये आंकड़ा बदल कैसे गया, कैसे चाइना के साथ बढ़ रहे समीकरण में भारत ने ऐसा क्या चाल चल दिया जिसकी वजह से आज मोइजू चाइना का विरोध करने लगे हैं। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि चाइना में भारत के जिस तरीके से विरोध को हवा दिया जा रहा है, मालदीव भी उसका शिकार हो गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चाइना गए थे। चाइना जाने के बाद उन्होंने भारत के विरोध में बहुत सारी बयानबाजी की, यहाँ तक कि उनके मंत्री जो मालदीव में बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत ही विरोध किया। इसके बाद जैसे ही मोइजू चाइना से वापस आते हैं, उन्होंने भारत को एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप यदि 35 दिनों के अंदर अपनी सेना को मालदीव से नहीं हटाते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत ने सोचा ठीक है, 35 दिनों के अंदर हम अपनी सेना को हटा लेंगे। लेकिन इधर भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने मालदीव को सबक सिखाने की सोच ली थी। बताया जा रहा है कि एक ऐसा समीकरण खेला गया जिसके कारण एक खाना पाकिस्तान चित हुआ और दूसरा खाना मालदीव चित हुआ। आपने देखा होगा कि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उस समय ईरान में भारत के विदेश मंत्री मौजूद थे। दूसरी तरफ अब जैसे ही वहाँ के विदेश मंत्री वापस आते हैं, वैसे ही मालदीव घुटने पर बैठकर गड़गड़ाने लगता है। बता दें कि भारत के विरोध में चल रहे मालदीव के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाइना के पास वो जिस इच्छा को लेकर गए थे, चाइना ने उस इच्छा को पूरा भी नहीं किया। ऊपर से चाइना ने जाने अनजाने में कुछ ऐसे पेपर पर साइन करवा लिए जिससे अब मालदीव चाइना के चंगुल से निकल नहीं पा रहा है। बताया जा रहा है कि माले के राष्ट्रपति मतलब कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जब चाइना गए थे तो उन्होंने चाइना से बहुत सारा लोन मांगा था। चाइना ने एक झटके में उस लोन को देने से मना भी कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मालदीव में हमें एक दीवार खड़ी करनी है जिससे समुद्र का जो पानी मालदीव के अंदर घुसता जा रहा है उससे मालदीव की रक्षा होगी। बता दें कि मालदीव अगले 30 सालों में डूब जाएगा। बहुत सारे वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार मालदीव अगले 30 सालों में इसलिए डूब जाएगा क्योंकि समुद्र का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिससे मालदीव सबसे पहला देश होगा जो इस दुनिया में समुद्र के अंदर विलीन हो जाएगा। और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू अपने देश को बचाने के लिए चीन से ये कह रहे हैं कि वह मालदीव के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दे, हालांकि यह संभव नहीं है। दूसरी तरफ चाइना ने मालदीव के ऊपर कुछ ऐसे समझौते थोप दिए हैं जिससे मालदीव खुद ही कंगाल हो जाएगा। चाइना ने मालदीव के राष्ट्रपति से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करा लिया है। दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि मालदीव और चाइना जब भी आपस में व्यापार करेंगे तो व्यापार करने के दौरान कोई रोक टोक नहीं होगा। मालदीव जितना माल भेजना चाहेगा चाइना भेजेगा और चाइना जितना माल मालदीव भेजना चाहेगा या अपने सामान को मालदीव में बेचना चाहेगा वो धड़ल्ले से बेचेगा। दोनों देश एक दूसरे के सामान के इम्पोर्ट पर किसी प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। मतलब साफ है कि एकदम स्मूथ तरीके से मालदीव का सामान चाइना में जाएगा और चाइना का सामान मालदीव में आएगा। लेकिन इससे मालदीव के राष्ट्रपति को बहुत बड़ा घाटा लगा है। दरअसल मालदीव छोटा सा देश है, कुल जनसंख्या 5 लाख है,
अभी 5 लाख की जनसंख्या इतना माल प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि वो किसी दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकें, लेकिन चाइना में इतना माल जरूर बनाया जाता है जिससे पूरा का पूरा मालदीव पाटा जा सकता है। अब मोइजू को समझ में आ रहा है, उन्होंने जब डाटा देखा तो उन्हें पता चला कि चाइना से हमारा सामान सपोज 100 रुपये का आता है तो हम चाइना को महज 2 रुपये का सामान बेचते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सिर्फ और सिर्फ चाइना को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना अपना लाखों करोड़ों का बिजनेस मालदीव के अंदर थोप देगा, जिससे मालदीव के अंदर मौजूद वहाँ की मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और चारों तरफ चाइनीज सामानों का बोलबाला हो जाएगा। दूसरी तरफ मालदीव को भी यह सुविधा होगी कि वह चाइना में अपना माल भेज सकता है, लेकिन मालदीव कुछ ऐसा बनाता नहीं है जिसे चाइना के लोग खरीदें। इसलिए कुल मिला जुला कर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरफा चाइना के सपोर्ट में चला गया है। अब मोइजू इस एग्रीमेंट को तोड़ने की विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब भारत के विदेश मंत्री ईरान गए थे तो ईरान से उन्होंने कुछ ऐसा समीकरण बनाया जिससे खबर ये आ रही है, अभी इस खबर की हालांकि 100% ऑथेंटिकेशन तो नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि ईरान आने वाले समय में मालदीव को तेल नहीं देगा, जिससे मालदीव को अन्य देशों से तेल मंगाना पड़ेगा और उन अन्य देशों से तेल मंगाने में जो रूट होगा, मतलब जिस रास्ते से तेल आएगा, उस रास्ते पर खतरा ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ईरान से तेल मंगाते तो उनका तेल सीधा इंडियन ओशन अरब सागर से होता हुआ उनके घर तक पहुँचता, लेकिन अब अगर वो सऊदी से तेल मंगाएंगे तो उनका तेल सोमालिया होकर आएगा, जिससे होगा ये कि सोमालिया के डकैत उनके जहाज़ों को लूटा करेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हिंद महासागर में सोमालिया के डकैतों के ऊपर अपनी नकेल कसे रहता है, जिससे हिंद महासागर में आने वाले जहाज इंडियन नेवी के कारण ही सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में जब मोइजू ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है तो भारत को क्या मोइजू के जहाज़ों की रक्षा करनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताया जा रहा है कि इस कारण की वजह से मोइजू को एक तरफ तेल का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना से सारा माल उनके अंदर पाट दिया जाएगा, तीसरी बात मालदीव को चाइना से कोई उधार भी नहीं मिला, और चौथी बात जो मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू का सपना था कि मालदीव के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दें, वह सपना भी अधूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब मालदीव IMF में जाएगा लोन लेने के लिए। अब IMF में लोन लेने के लिए आपको कम से कम 3 देशों का समर्थन चाहिए होता है, और ऐसे में भारत अगर समर्थन नहीं करेगा तो IMF में मालदीव को लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान को हो गया था। हाल ही में खबर आ रही है कि श्रीलंका गया था IMF में लोन लेने, और वहां पर भारत ने उसका खुला समर्थन किया, जिसकी वजह से उसे एक झटके में लोन मिल गया। अब ऐसे में मालदीव बुरी तरीके से फंस चुका है, इसलिए उनके राष्ट्रपति को अब यह समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी लेना आज के समय में अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। आपको याद होगा कि हाल ही में रूस से S-400 भारत ने खरीदा, जो एयर डिफेंस के मामले में बहुत बड़ा हथियार है। अमेरिका ने कहा था कि रूस से जो भी S-400 हथियार खरीदेगा हम उसके ऊपर बैन लगा देंगे, और हुआ भी ऐसा, कुछ देशों ने खरीदा तो उनके ऊपर बैन लगाया गया, लेकिन भारत ने जब खरीदा तो अमेरिका चिल्लाता रहा कि मत खरीदो वरना हम बैन लगा देंगे, लेकिन जब भारत ने खरीद लिया अमेरिका चुपचाप बैठ गया। मतलब साफ है, जिस देश के ऊपर अमेरिका भी बैन लगाने से डरता है, उस देश से मालदीव ने दुश्मनी लेकर कितना बड़ा घाटा किया है, इसका अंदाज़ा अब आपको लग गया होगा।